सीपीएस संजय अवस्थी का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा, अंकुश सूद और रजत थापा और रोहित शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का प्रयास किया जा रहा है। जो कमियां भारत सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में रही उन्हें दूर किया जा रहा है। अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए संजय अवस्थी ने कहा कि अस्पतालों में भाजपा के समय में बेहद कमियां थी, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी आरम्भ की जाएगी, जिसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। उसे अब अमली जमा पहनाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रति जो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं का जो ढांचा है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये जो है इसको सुदृढ़ करना जो है उनकी प्राथमिकता है। और इसी दृष्टिकोण से आज हम स्वास्थ्य विभाग को जो यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं देने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जैसे रोबोटिक सर्जरी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आधुनिक, क्योंकि मेडिकल लाइन में बहुत एडवांसमेंट हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सपना है कि जिन टेस्ट के लिए या जिस इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जो है हमारे लोगों को जाना पड़ता है, वो सब सुविधाएं जो हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में हों, उपलब्ध हों, इसी दृष्टिकोण से वो कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी आने वाले जो बजट सेशन आ रहा है, इस बजट सेशन में भी जो ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि स्वास्थ्य का जो बजट है वो इस बार बढ़ा कर दिया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं देने का प्रावधान रखा जाएगा। जो है बहुत जल्दी आईजीएमसी और टांडा हॉस्पिटल और हमीरपुर हॉस्पिटल में आने वाले समय में शुरू होने जा रही है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं और इस बजट सेशन में जो है उसका बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। सोलन में सीपीएस संजय अवस्थी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा उछालकर देश में फिर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनकी ये चाल देश की जनता समझ चुकी है, वह उनकी चालों में नहीं आने वाली। संजय अवस्थी ने कहा कि भारत देश की तर्ज पर भी हिमाचल में भी हिंदुत्व का मुद्दा उछालना चाह रही है। उन्होंने कहा हिमाचल में अधिकतर हिंदू रहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और हिंदुत्व के मुद्दे को नकारते हुए कांग्रेस को विजय बनाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रति जो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं का जो ढांचा है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये जो है इसको सुदृढ़ करना जो है उनकी प्राथमिकता है। और इसी दृष्टिकोण से आज हम स्वास्थ्य विभाग को जो यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं देने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जैसे रोबोटिक सर्जरी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आधुनिक, क्योंकि मेडिकल लाइन में बहुत एडवांसमेंट हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सपना है कि जिन टेस्ट के लिए या जिस इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जो है हमारे लोगों को जाना पड़ता है, वो सब सुविधाएं जो हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में हों, उपलब्ध हों, इसी दृष्टिकोण से वो कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी आने वाले जो बजट सेशन आ रहा है, इस बजट सेशन में भी जो ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि स्वास्थ्य का जो बजट है वो इस बार बढ़ा कर दिया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं देने का प्रावधान रखा जाएगा। जो है बहुत जल्दी आईजीएमसी और टांडा हॉस्पिटल और हमीरपुर हॉस्पिटल में आने वाले समय में शुरू होने जा रही है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं और इस बजट सेशन में जो है उसका बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है।